राजा हरिश्चंद्र ने केम सत्यवादी अने महादानी कहेवामां आवे छे। स्टोरी जाणीने तमे पण मोढामां आंगळा नाखी जशो। ज्यारे पण सत्य अने दानी चर्चा थाय छे त्यारे राजा हरिश्चंद्रनुं नाम लेवुं ए स्वाभाविक छे। सत्य बोलवा अने दान आपवा माटे तेमनो दाखलो आजे पण आपवामां आवे छे। तेथी ज तेमने सत्यवादी अने दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहेवामां आवे छे। तेओ एवा परोपकारी हता के जो तेमने सपनामां पण कोईने दान आपता जोया होई तो ते चोक्कसथी पूरा करशे। सत्यना मार्ग पर चालवा माटे तेमने तेमना राजपाटमांथी तेमनी पत्नी तारामती अने पुत्र रोहिताश्वनो त्याग कर्यो हतो। भले राजा हरिश्चंद्र तेमनी सत्यवादी अने सेवाभावी छबीने कारणे घणी लोकप्रियता धरावता हता, परंतु तेमनुं पारिवारिक जीवन खूब ज नाखुश हतुं। जाणो राजा हरिश्चंद्रना त्याग अने सत्यतानी कथा। राजा हरिश्चंद्र विषे एवुं कहेवाय छे के एक वखत तेमने स्वप्नमां महर्षि विश्वामित्रने पोतानुं समग्र राज्य दानमां आपता जोया, परंतु बीजा दिवसे सवारे ज्यारे ते जाग्या त्यारे ते सपनुं भूली गया हता। महर्षि विश्वामित्र ज्यारे महेलमां आव्या अने राजा हरिश्चंद्रए तेमने तेमना स्वप्ननी याद अपावी। आ पछी राजाए खुशीथी तेनुं राज्य तेने दानमां आप्युं, परंतु दान पछी ज्यारे दक्षिणानो वारो आव्यो त्यारे तेने कह्युं के मैं तो बधुं ज दान करी दीधुं छे, हवे हूँ दक्षिणा माटे पैसा क्यांथी लावू। घणो विचार कर्या पछी राजा हरिश्चंद्रे पोताने वेचवानुं नक्की कर्युं अने काशी तरफ प्रयाण कर्युं। अहीं एक व्यक्तिए राणी तारामती अने पुत्र रोहिताश्वने खरीद्या। बीजी बाजु राजा हरिश्चंद्रने स्मशानना स्वामीए खरीद्यो हतो। हरिश्चंद्रनी पत्नी ए व्यक्तिना घरे वासनों धोवा अने चूला चूलानुं काम करवा लागी। अने राजा हरिश्चंद्र जे एक समय सिंहासन पर बिराजमान हता तेमने स्मशाननुं काम करवानुं शुरू कर्युं। एक दिवस राजाना पुत्र रोहिताश्वने सापे डंख मार्यो जेना कारणे ते मृत्यु पाम्यो, पण तारामती पासे कफन माटे पण पैसा न हता। कोईक रीते तारामती दुखी हृदय पुत्रना मृतदेहने खोळामां लईने स्मशान गृहमां पहोंची, परंतु स्मशानमां पहोंचता ज हरिश्चंद्रए तारामती पासेथी स्मशान ना करनी मांगनी शुरू करी। कारण के स्मशान वेरो वसूलवानो नियम हतो अने ते तेना गुरुना आदेशनुं पालन करतो हतो। राजा हरिश्चंद्रए पत्नीने कह्युं के स्मशान कर चूकवो पड़शे। त्यारे हरिश्चंद्रए तेनी पत्नी ने कह्युं के जो तारी पासे टैक्स भरवाना पैसा न होय तो तारी साड़ीनो थोड़ो भाग फाड़ीने आप हूँ टैक्स तरीके राखीश। निसहाय बनीने तारामतीए तेनी साड़ी फाड़वानी शुरुआत करी। तेज समय जोरथी आकाशमां गड़गड़ाट थयो अने विश्वामित्र प्रगट थया। विश्वामित्र बोलिया, हे राजा, तमे धन्य छो। आ बधी तमारी कसोटी हती जेमां तमे साबित कर्युं के तमे श्रेष्ठ सेवाभावी सत्यवादी अने धार्मिक छो। आ पछी पुत्र रोहिताश्वपण जीवंत थयो अने राजान तेना पोताना राज्यमां पाछो फर्यो। एटलुं ज नहीं, महर्षि विश्वामित्रए कह्युं के दुनियामां ज्यारे पण धर्म दान अने सत्यनी वात करवामां आवशे त्यारे राजा हरिश्चंद्रनुं नाम सौथी पहेला सन्मान साथे लेवामां आवशे।